यह कहानी है आगरे के ताजमहल से 70-75 किलोमीटर दूर बीहड़ में बसे एक छोटे से गांव खेड़ा राठौड़ की, जहां का एक गरीब किसान ठाकुर कैसे हालातों से मजबूर होकर बना चंबल का मशहूर डाकू। डकैत बनने के बाद भी जिसने गांव वालों के दिलों पर राज किया और गांव वालों का मसीहा कहलाया। नाम था बागी ठाकुर मान सिंह राठौड़। बागी डाकुओं को सम्मान से कहा जाता है और डाकू की जगह बागी शब्द सम्मानजनक रूप से यूज में लिया जाता था। अभी हाल ही में फिल्म सोनचिड़िया रिलीज हुई है, उसका ट्रेलर देखा तो उसमें नाम आया डाकू मान सिंह का। तो फिल्म में तो पता नहीं क्या दिखाया है क्या नहीं दिखाया, लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब किसान बना मशहूर चंबल का डाकू। तो आइए शुरू करते हैं। बात है 1930 के दशक की। जीर्ण अवस्था में पहुंच चुके ठाकुर मान सिंह ना तो ज़्यादा संपन्न थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे, ठीक ठाक किसान थे, खेती करते और अपने परिवार का गुजारा चला रहे थे। जब भी गांव में पंचायत होती या कोई भी वाद विवाद होता तो ठाकुर साहब होने के नाते वे लोगों के पास जाते और न्यायपूर्वक फैसला करते। लेकिन कुछ दिनों बाद ही गांव के कुछ साहूकारों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जाहिर सी बात है उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन इस लड़ाई में ठाकुर मान सिंह के बेटे तहसीलदार सिंह की हत्या कर दी गई। मान सिंह का पोता उस समय मां के गर्भ में था। मान सिंह ने अपने बेटे की मौत के न्याय के लिए संघर्ष किया, दोषियों को सजा मिली, लेकिन इस संघर्ष में उनके परिवार के 11 सदस्य मारे गए और 11 विधवा महिलाएं परिवार में हो गई। कानून और पुलिस से उन्होंने न्याय के लिए गुहार की, लेकिन कानून और पुलिस ने उनके साथ अन्याय ही किया। आखिर में तंग आकर उन सभी की मौत का बदला लेने के लिए मान सिंह ने बीहड़ का रुख किया और वहां से बने मशहूर बागी मान सिंह डाकू। डाकू मान सिंह की इस गैंग में शुरुआत में 17 सदस्य थे, जो कि लगभग सभी उन्हीं के परिवार से थे। जुल्म करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिए, गरीबों को सताने वाले लोगों के काल बन चुके थे। उन्होंने इतना खूंखार रूप ले लिया कि 1939 से लेकर 55 तक उनकी बंदूक कभी शांत नहीं रही। जो साहूकार गरीबों को लूटते, मान सिंह उन साहूकारों को लूटते और गरीबों का धन उन्हें वापस बांट देते। कहते हैं ठाकुर मान सिंह पर 1112 लूट के तथा 185 हत्या के केस दर्ज थे। उन 185 में से 32 तो पुलिस अफसरों की हत्या भी शामिल थी। जाहिर तौर पर यह एक खतरनाक आंकड़ा रहा होगा। बागी मान सिंह के गैंग की यह खासियत थी कि वे गरीबों के मसीहा थे। अपनी लूट के दौरान कभी गरीबों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि हमेशा गरीबों की मदद करते रहे। गरीब बेटे की शादी करनी हो या बीमार होने पर इलाज करवाना हो, बागी मान सिंह ने ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। महिलाओं के प्रति जो सम्मान था उनके आज अनेक किस्से भी हैं, जैसे रास्ता चल चला कोई नहीं लूटा, ना बहनों की हेर, जो मिला बटा दिया, बहना कोई प्यार करे। मतलब बागी मान सिंह ने रास्ते चलते किसी को नहीं लूटा, ना ही किसी बहन की हार लूटी। जो भी अमीरों से लूटा वो गरीबों में बांटते रहे। बागी मान सिंह ने भारतीय कानून को कभी नहीं माना और अत्याचारियों को सबक सिखाते रहे। लेकिन 1955 में वे भिंड जिले में पुलिस कर्मियों से हो रही मुठभेड़ में वे मारे गए। लेकिन मान सिंह जैसा बागी चंबल में ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। चंबल में आज भी बागी मान सिंह का मंदिर बना हुआ है, जहां गांव वाले हर रोज उनकी पूजा करते हैं। फिल्म की बात करें तो उसमें कैसा चरित्र दिखाया है उसका पता नहीं, क्योंकि हमने फिल्म देखी नहीं। लेकिन ऐसे महान न्याय प्रिय थे बागी मान सिंह राठौड़। जय भवानी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आप हमें फॉलो करके इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ भी सकते हैं। जय माँ भवानी।